गलतियां सबसे होती है। We all make mistakes. मैं पीछे नहीं हटूंगा। I will not step back. मुझे अपने साथ ले चलो। Take me with you. जो तुम्हें बताया गया है वही करो। Do what you are told. मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। I won't get in your way. उस पर ध्यान मत दो। Don't pay attention to him. तुम बदल रहे हो। You are changing. वो भी आपकी ही तरह जिद्दी है। He is as stubborn as you are. मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुंचे। I don't want anyone to get hurt. वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। They are fighting each other. हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। We can help each other. हमने एक दूसरे का ख्याल रखा। We took care of each other. इसे अपने हाथों से ना छुए। Don't touch it with your hands. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। None of this is your fault.
जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट वॉट यू थिंक इट इज। दिस इज नॉट वॉट यू थिंक इट इज। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? आर यू आस्किंग मी और टेलिंग मी? आर यू आस्किंग मी और टेलिंग मी? क्रोध समस्याएं पैदा करता है समाधान नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि गुस्सा कोई हल नहीं निकालता है बल्कि प्रॉब्लम्स और बढ़ाता है। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे एंगर क्रिएट्स प्रॉब्लम्स नॉट सॉल्यूशंस। एंगर क्रिएट्स प्रॉब्लम्स नॉट सॉल्यूशंस। आपको डरने की कोई बात नहीं है। यू हैव नथिंग टू फियर। यू हैव नथिंग टू फियर। मेरे पास अभी भी मौका है। आई स्टिल हैव अ चांस। I still have a chance. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। I can't believe this is happening. I can't believe this is happening. मेरे पास अब और नहीं है। आई डोंट हैव एनी मोर। आई डोंट हैव एनी मोर। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी। This is not just for me. मुझे वो जिंदा चाहिए। I want him alive. I want him alive. यह मुझे उसकी याद दिलाता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ हिम। इट रिमाइंड्स मी ऑफ हिम। हर समस्या का एक समाधान होता है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। Every problem has a solution. मैंने आपकी जान बचाने के लिए ऐसा किया। I did it to save your life. I did it to save your life. इससे आप सुरक्षित रहेंगे। दिस विल कीप यू सेफ। दिस विल कीप यू सेफ।
मुझसे जो हो सकता था मैंने किया, यानी कहने का मतलब है कि जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे I did everything I could। अपनी आंखें खुली रखो, keep your eyes open। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा, I promise you that won't happen। सब कुछ नियंत्रण में है, Everything is under control। तुम चाहो तो रुक सकते हो, You can stay if you want। मूर्ख को सलाह देने से कोई फायदा नहीं है, It's no use giving advice to a fool। इट्स नो यूज गिविंग एडवाइस टू अ फूल। इन सब के लिए मैं माफी चाहता हूं, I'm sorry about all this।